हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे स्कंद चार के अध्याय 25। राजा प्राचीन भाईषत के पुत्रों ने शिवजी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया और आगे अपनी भक्ति को प्रारंभ करके 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए चले गए। पीछे से राजा प्राचीन भाईषत ने अपने आप को कई प्रकार के कर्म कांडों में लगाया, कई प्रकार के यज्ञ में लगाया जहाँ पर पशु बलि भी दी जाती है। इस प्रकार से वो कई सारे सुख भोग की कामना कर रहे थे। जब पशुओं की हत्या होते हुए देख कर के साधु नारद मुनि को बहुत बेचैनी हुई और सभी देवताओं ने साधुओं ने विचार कर नारद जी से कहा, तो नारद जी राजा प्राचीन भाईषत के पास आए और उनको एक उपाख्यान उन्होंने सुनाया। तो भागवत में जिस प्रकार हमने पिछले प्रसंग में गीत की चर्चा करी थी, आज हम उपाख्यान यानी दृष्टांत की चर्चा करने वाले हैं। तो भागवत का यह दृष्टांत, ये उदाहरण कहते हैं, जो रुद्र गीतम भगवतम स्त्रोत्रम सर्वे प्रचेत सहा जपतंतस्य तपस्तेपु वर्षाणाम अयुतम जलेहे। और उन लोगों ने शिवजी द्वारा दिए गए उनके पुत्र जल में बैठकर तपस्या करने लगे थे। वहीं राजा सकाम कर्मों में लगा था। दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति होती है यानी कि हम संसार में आए हैं तो सुख भोगना चाहते, प्रवृत्ति में रहना। एक निवृत्ति यानी मैं संसार के उपभोग को कम करके आध्यात्मिक प्रगति करता हूँ। तो हम प्रवृत्ति मार्ग को चुने या निवृत्ति मार्ग को चुने। इसमें ऐसा नहीं कि प्रवृत्ति का व्यक्ति माया में बद्ध है। प्रवृत्ति वाला भी धर्म के कार्य करता है, परंतु उसका कारण होता है धर्म के माध्यम से मुझे भोग करना है। और एक होता है निवृत्ति मार्ग, यानी कि मुझे इस संसार से अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु की प्राप्ति करनी है। तो श्रीमद् भागवतम के इसी अध्याय के अंदर श्लोक संख्या 10 में नारद जी ने कथा सुनाई, तो इसके अंदर वर्णन आया श्लोक में, आसीतः पुरंजनो नाम राजा राजन बृहश्रवः तस्य विज्ञात नाम आसीत सखा विघात चेष्टितः। हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। पुरंजन, पुरंजन शब्द का अर्थ आचार्यों ने बताया पुर यानी कि पुरी, जिसमें हम रहते हैं। अब नारद जी देखिए कितने सुंदर उदाहरण से, अगर डायरेक्ट बोलते तो राजा शायद नहीं बात मानता, तो उदाहरण से समझाया जाता है, कहानियों से, कथाओं से समझाया जाता है। तो उन्होंने कहा एक पुर था, जिस पुर में कोई आनंद ले तो उस स्थान का पुर अंजन, यानी जहां रंजन करे, जैसे मनोरंजन, अपने मन का आनंद होता है मनोरंजन, ऐसे पुर में कोई रंजन करे उसे पुरंजन कहते हैं। तो इस उपाख्यान का नाम ही है पुरंजनो उपाख्यान। तो पूर्व में वो एक व्यक्ति आनंद ले रहा था, और उस आनंद लेने वाला कौन हो गया, जीवात्मा। तो जीवात्मा उदाहरण रूप में जीवात्मा को कह रहे हैं कि वह इस शरीर में आनंद लेती है, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं कि एक राजा था, वो एक 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 नगर में आनंद से रहता था, और उसका एक दोस्त था, उसका नाम था अविज्ञात सखा। तो हमारे शरीर में अविज्ञात सखा रहते हैं, प्रभु हमारे साथ ही रहते, आत्मा के साथ ही रहते हृदय के अंदर, लेकिन हम कभी उस सखा से बात नहीं करते, संसार में दोस्त ढूंढते रहते हैं, और संसारी दोस्त एक ना एक समय हमारा साथ छोड़ जाते हैं, और जो अविज्ञात सखा है, सदा रहता है हमारे साथ, नित्य सखा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो नारद जी ने उनको बताना शुरू किया और कहा, इस प्रकार एक बार विचरण करते हुए उस पुरंजन ने भूमि के दक्षिण भाग में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे, जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। अब इसमें जीवात्मा इस पुरी में रंजन कर रही है, इसके अंदर कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं। 9 द्वार कौन कौन से हैं? बोले 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 द्वार ऊपर थे और 2 अंडरग्राउंड थे। तो 2 नीचे हैं, एक हमारे मल त्याग स्थान, एक मूत्र विसर्जन स्थान। ये जो 9 द्वार हैं, ये इस शरीर में 9 छिद्र कहलाते हैं। 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन, इस 9 द्वारों के पिंजरे में कौन रहता है? रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। उस पिंजरा हो जिसमें 9 द्वार हो, और उन 9 द्वारों के उस पिंजरे में
एक पक्षी रहता हो, पक्षी रह रहा है, ये बात आश्चर्य की, हाँ पक्षी आज भी है, नौ द्वार खुले हुए हैं, लेकिन उड़ जाए तो अचरज कौन, क्योंकि किसी न किसी द्वार से तो उड़ ही जाएगा। तो नौ द्वार हो जिस पिंजरे में और सारे द्वार खुले हो और पक्षी रह रहा हो तो ये अचरज की बात है, उड़ जाए तो अचरज की बात है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो ये आश्चर्य की बात है, आज भी जीवित है और मृत्यु हो गई तो मतलब उसमें कौन सी बड़ी बात है, आत्मा रूपी पक्षी इन नौ द्वारों से तो निकल ही जाने वाले। तो नारद जी ने उनको बताया नौ दरवाजे थे, समस्त सुलक्षणों से युक्त थे। यह व्यक्ति उस नगर के घेरों को फर्श नीलम स्फटिक हीरे मोती पन्ना लाल से निर्मित थे। घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्ग नगरी के समान लग रहा था। राजा इंद्र की जो नगरी उसका नाम है भोगवती, स्वर्ग की इंद्र की जो नगरी है उसका नाम भोगवती है। तो भोगवती उस नगर जो स्वर्ग का नगर है इंद्र का, उसमें सब कुछ सुंदर होता है, वैसे ही व्यक्ति अपने घर को भी एकदम स्वर्गिक सुंदर सोफा एसी है ना एलसीडी हाई प्रोफाइल लगाता है और बनाता है बहुत बढ़िया, और वो भूल जाता है कि मुझे करना क्या। अब ये जो व्यक्ति था जब इस नगर से निकल करके ये घूमने निकला तो उसने एक अद्भुत उद्यान देखा। राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी। अद्भुत उद्यान कौन है, ये जो संसारिक जगत दिख रहा है ये अद्भुत जंगल है, भवाटवी कहा गया इसको, भव यानी कि भवसागर, आटवी यानी जंगल, भवसागर भी कहते हैं और भवाटवी आटवी भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं। ये भव जंगल को देखा, उसमें एक सुंदर स्त्री देखी जो अन्यास से उसकी ओर चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां। अब ये स्त्री कौन थी, ये स्त्री है बुद्धि, और बुद्धि जो होती है इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं बुद्धि, यह बुद्धि हमको मिलती है स्त्री, और उसके 10 नौकर हैं। 10 नौकर कौन है, 10 मुख्य नौकर और उनके ऊपर 11वां सेनापति। तो इसमें 10 इंद्रियां जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान मुख जिह्वा त्वचा श्रवण इंद्री, तो ये जितने भी हैं, कान एक इंद्री, आंख जिससे हम देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, जिह्वा जिससे हम स्वाद चखते हैं खट्टा मीठा, और त्वचा स्पर्श, तो सभी जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रियां 5 नौकर हैं इस बुद्धि के, और पंच कर्म इंद्रियां 2 पैर 2 हाथ वाणी उदर और हमारे उपस्थ, ये सब चीजें मिलाकर 10 बन जाती, 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, और 11वां इनका नेता मन। तो ये जो 11 है ये इस बुद्धि के नौकर है, इंटेलिजेंस के। तो आगे इसमें बताया गया कि इस प्रकार उस सुंदर स्त्री के कहे अनुसार उस बुद्धि से, व्यक्ति कहते हैं ना मैंने अपनी बुद्धि से ऐसा काम कर लिया, और वह जीवात्मा उसके कहे अनुसार जीवन जीती है। कृष्ण बाहिर मुखा होया भोग वांछा करे, निकट तस्ते माया शक्ति झपट या धरे, माया शक्ति उसे झपट लेती है। आगे वर्णन किया कि हे कमल नयनी तुम्हारे साथ के 11 बलिक अंगरक्षक और ये 10 विशेष सेवक कौन है, इन 10 सेवकों के पीछे ये स्त्रियां कौन है, और तुम्हारे आगे चलने वाले ये सर्प कौन है। अब उस स्त्री के आगे कुछ सर्प चल रहे थे, सेवक थे और सेवकों की पत्नियां थी। सेवक की पत्नी कौन है, आंख के इच्छा मुझे गंदे चित्र देखने, आंख की इच्छा है, आंख की इच्छा है, ये उसकी पत्नी है, आंख को बताया नौकर और नौकर की पत्नी उसकी इच्छा। कान है, ये बताया नौकर, उसकी इच्छा कौन है, गंदी चीज सुनना चाहता हूँ। झगड़ा हो रहा हो रोड पे, 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक आदमी पूजा कर रहा हो कोई नहीं देखेगा उसको, माला कर रहा हो कोई नहीं देखेगा, अच्छे काम को कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये जो भवाटवी में हम फंस गए हैं ना, इसमें हमें गंदी चीज रुचिकर लगती है, अच्छी चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। स्वाद, आदमी कहते हैं प्याज के बिना तो मजा ही नहीं आता जी, मसाले होने चाहिए बढ़िया वाले, सादा जीवन उसको अच्छा नहीं लगेगा। स्पर्श, पुरुष को पुरुष का स्पर्श अच्छा नहीं लगेगा, स्त्री का स्पर्श होना चाहिए, आहा स्त्री का स्पर्श मिल जाए। तो ये जो इच्छाएं हैं ये इनकी पत्नियां बताई गई, और सांप बताए गए 5 प्रकार के प्राणवायु, उपान उदान समान, ये सारी 5 जो प्राणवायु है हमारे शरीर में ऊपर और नीचे, ये सब इस बुद्धि के आगे 5 सर्प 5 प्राणवायु है, 11 इसके सैनिक है जिसमें मन और 10 इंद्रियां हैं, और इच्छाएं उनकी पत्नियां हैं। इस प्रकार नारद जी ने कहा वो भवाटवी में फंस गया, और वो आया था जंगल में घूमने के लिए, लेकिन
इन राजकुमारी की बुद्धि जो थी उसके साथ ऐसा अटक गया उसके प्रेम में कि भूल ही गया, और उसके नौकरों ने पूरा कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, उसको बद्ध कर लिया। अब ये भागना भी चाहे तो कैसे भागे? अगर वो सो भी जाता था तो उसकी पत्नी जागती रहती थी। ऐसी हम लोग सो भी जाते हैं, हमारी बुद्धि जागती रहती है। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए 9 दरवाजों पर, तुम्हारे राज्य के 9 द्वारों के ऊपर, बुद्धि रूपी स्त्री ने कहा, मैंने 9 दरवाजों पर 9 गार्ड बना दिए हैं, तुम इनकी सेवा करके, तुम इनका इस्तेमाल करके खूब सुख का उपभोग कर सकते हो। जब ताली बजाओगे तब ये 9 द्वारों के दौड़ दौड़ चले आएंगे। तो 9 जो द्वार हैं इन पर माया के बुद्धि के सैनिक बैठे हो। जीव तो चाहेगी मुझे नॉनवेज खाने को मिल जाए, जीव तो चाहेगी, क्योंकि उसमें माया बद्ध भवाटवी जंगल में फंसाया गया है। और इस प्रकार से नारद जी ने कहा, 100 वर्ष बीत गए और वह आनंद लेता रहा और उनके साथ इतने आनंद में रहा कि भूल ही गया कि मैं घूमने आया था जंगल में। तो इस प्रकार राजा पुरंजन उस बुद्धि रूपी रानी के साथ रहने लगा और रानी ने पूर्ण रूप से उसको फंसा दिया। हमारे साथ भी ये होता है, हम जगत में आए थे हरि भजन को, मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। राम भी छूट जाते हैं, भक्त भी नहीं बन पाते हैं, और माया वैसी भी सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। आज बड़े बड़े लोग, कोई बड़े 5,000 करोड़ की शादी करता है, उसको देखकर व्यक्ति व्यतीत होता है, बहुत पैसे वाला भी होगा, 1,000 करोड़ का व्यापारी होगा, कहेगा अरे मैं तो कितना पीछे रह गया। तो कितना भी धन कमा लो, आदमी कंपैरिजन करता रहता है, दुखी रहता है, कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाता। तो आज हमें इस उपाख्यान से ये सीखना चाहिए, किस प्रकार जीवात्मा, जो ये पुरंजन राजा इस शरीर में आनंद में रह रहा था, वो बुद्धि रूपी रानी को ले आया और उसने भवाटवी इस जंगल में फंस गया और रानी ने उसको पूर्ण रूप से माया में बद्ध कर दिया। तो इस बुद्धि को स्वच्छंद बनाना है, इस बुद्धि को तेज बनाना है। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो लोग मेरा भजन करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उप्यन्ति ते। 10वां अध्याय भगवद गीता 10 नंबर श्लोक, भगवान कह रहे हैं जो मेरा भजन करता है उसको मैं एक अच्छी बुद्धि देता हूं ताकि वो मुझ तक आ सके। तो प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास धन तो बहुत है लेकिन दुर्बुद्धि है, यही वाली बुद्धि है जो राजा को फंसा गई। और एक है सुबुद्धि, यानी कि जो व्यक्ति को परमात्मा के पास ले जाती है। अब आपको देखना है, आपको दुर्बुद्धि लेनी है या सुबुद्धि। मिलेगी कैसे? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में युक्त रहता है उसको भगवान बुद्धि देते हैं ताकि उनको प्राप्त किया जाए। हरे कृष्ण।